So hi guys, then we're this side for Veggie Paaji और आज हम लोग आए हैं on okay please which is the food truck festival और अगर आप देख रहे हो कि मैंने ऐसे क्यों पहना है क्योंकि अभी pollution बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में तो जितना हो सके अपने आप को protect करो और चलते हैं आपको दिखाता हूँ क्या है food truck festival और क्या होते हैं food trucks और क्या अलग अलग खाना मिलता है यहाँ पे तो अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट पहले जाके वीडियो को लाइक कर दो और रात के टाइम पर आपका बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है बहुत सही सेटअप हो रखा है तो चलो चलते हैं वीडियो में आज ट्राई करेंगे कि कुछ कुछ अलग चीज़ें खाएं जैसे हर फूड फेस्टिवल में खाते हैं ढूंढते किसी फूड ट्रक पे खाएंगे बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो तो चलो स्टार्ट करते हैं कर देना थोड़ा सा शायद लाइटिंग का इशू रहेगा बट क्योंकि रात का टाइम है मैं आपको थोड़ा सा रात का माहौल दिखाना चाह रहा था कैसा माहौल है तो लाइटिंग का अगर थोड़ा सा भी इशू होगा तो उसका थोड़ा सा निगलेक्ट कर देना वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है नंदलेस तो स्टार्ट करते हैं इन 3 2 1 तो बेसिकली अगर आपने मेरी कभी भी फूड फेस्टिवल वाली वीडियो नहीं देखी तो फूड फेस्टिवल से एक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट इकट्ठे आके और बहुत अलग अलग यूनिक खाना मिलता है तो फूड फेस्टिवल्स का कॉन्सेप्ट ये होता है फूड ट्रक फेस्टिवल का जैसे मैंने आपको मोमो फेस्टिवल की वीडियो दिखाई थी गोलगप्पे फेस्टिवल की वीडियो दिखाई थी देवर फूड स्पेसिफिक फेस्टिवल्स ये जो है ये कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक है और जैसे आप ये देख सकते हैं ये ई रिक्शा पे इन लोगों ने अपना सेटअप खोला हुआ है फूड ट्रक है बट इट्स मोर ऑफ अ फूड इन एनीथिंग फूड ऑन व्हील्स बहुत ज्यादा भीड़ है टाइम अभी हो रहा है 6:30 और भीड़ का आइडिया मतलब बहुत बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है बिल्कुल लग रहा है 10 बजे तक यहाँ पे फुल जैम पैक्ड हो जाएगा तो मैं जैसे आपको बता रहा था इस वीडियो में हम लोग बहुत सारा यूनिक खाना खाने वाले हैं और इस वीडियो का मकसद भी यही है जैसे मैं आपको हर फूड फेस्टिवल की वीडियो में बताता हूँ कि फूड फेस्टिवल जब भी आप जा रहे हो तो नॉर्मल खाना अवॉइड करो कि भाई टिक्की और पनीर टिक्का वगैरह तो आपको हर जगह मिल जाता है पर खाओ आप इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे बरीटो हो गया आपका चॉकलेट नाइट्रोजन पॉपकॉर्न जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलती और अगर आपको आमतौर पर मिलती भी है तो कभी कभार क्या होता है रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं हमारे घर से तो हमारा मतलब इतना मन नहीं करता सिर्फ एक चीज़ के लिए इतनी दूर जाके खाएं तो फूड ट्रक फेस्टिवल या फिर कोई भी और फूड फेस्टिवल्स होता है वहाँ पे ये चीज़ आपको कन्वीनियंस होती है कि सारी चीज़ें एक ही जगह पे होती है तो आप सारा खाना ट्राई कर सकते हो और अगर आप फूड लवर हो तो आपको हमेशा यही चीज़ करनी चाहिए जैसे मेरे को ये चॉकलेट नाइट्रोजन पॉपकॉर्न काफ़ी ज़्यादा पसंद आए वेट पॉपकॉर्न खाएँ कि नहीं खाएँ और अगर खाएँ तो कहाँ पर खाएँ और कैसा टेस्ट लगा उसका puri so guys this is a hot dog veg hot dog karan dog veg kaise ho trying to eat veg hot dog this is like a veg burger rolled like a hot dog बहुत भीड़ लग रहा है वेज हॉट डॉग आप कमेंट करके बताओ हॉट डॉग वेज हो सकता है कि नहीं हो सकता हॉट डॉग नाम में ही डॉग है वेज हो सकता है क्या तो मैं जैसे आपको बता रहा था आपको यूनिक चीज़ें खानी चाहिए और ये एक इमोई जो जगह है यहाँ पे मेरा बहुत टाइम से जाने का मन था बट कभी चक्कर लगना होता नहीं था जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आज मेरे को फूड ट्रक फेस्टिवल में दिख गई तो मैंने सोचा ये भी एक खा लेते हैं पंजे वाली आइसक्रीम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कैसी लग रही है ये हॉट डॉग खाने के बाद मैं पंजे वाली आइसक्रीम खा रहा हूँ हाँ नाइस अच्छी है क्या कॉफी फ्लेवर है नाइस गुड आई लाइक इट इसकी शेप खराब हो गई यार सारी सो गुड सो दिस इज इसको खाऊं या पीऊं समझ नहीं आ रहा
उसमें फ्राइज भी है, पोटैटो वेजेस भी है और वर्जिन मोहितो भी है। पहले इसको पीता हूँ फिर इसको खाता हूँ। काफ़ी वेट लग रहा है। वर्जिन मोहितो है ऐसी सी एवरेज है, एक ही है। What's the challenge? You gotta eat this. You gotta finish and got only two dishes in 2 minutes. You're taking the challenge? Go. तो यहाँ पे ये गेम चल रही थी कि ये बहुत ज्यादा हॉट सॉस थी और इसको खाना था मोमोज के साथ, पर ट्विस्ट ये था कि आपको मोमोज तो खाने थे पर आपको चटनी भी सारी खानी थी। तो लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे थे लिटरली, इतनी स्पाइसी ये सॉस थी। आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपको स्पाइसी खाना पसंद है और आप क्या ये चैलेंज अगर आप लेते तो आप खत्म कर सकते, क्योंकि इस भाई के तो आंसू निकल गए हैं। On a scale of 1 to 10, how hot is it? 11. 11. Sorry. और सिर्फ फूड गेम्स ही नहीं थी यहाँ पे, और भी बहुत सारी फन गेम्स थी। जैसे ही आपने बुल राइड बचपन में करी होगी, कितनी देर तक आप रह पाते हो? मैंने बचपन में करी थी, मैं तो 10-15 सेकंड बाद हमेशा गिर जाता था। और बहुत सारी गेमें थी यहाँ पे, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मतलब माहौल बनाया हुआ था। एक एक्सपीरियंस ऐसे दे रहे थे कि खाने के अलावा भी आपको एक्टिविटीज करने को मिल रही है ताकि आप फैमिली वगैरह के साथ अपने आ सको और इन्जॉय कर सको। और जो आपने पीछे देखा, ये लोग पागल नहीं हो गए पर ये लोग साइलेंट हेडफोन्स डांस कर रहे थे, हेडफोन्स में गाने बज रहे थे और ये लोग डांस कर रहे थे। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसी चीजें लोग। तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो ये थी कि यहाँ पे खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आप कर सकते हो, तो आपके जो पूरे टिकट के पैसे हैं वो सारे वसूल हो जाते हैं। टमाटर के साथ खाएंगे हम लोग, चटनी में डुबो के, क्या बोलता रे बंटा है। क्यों होता है ये मेरे साथ? तो जैसे मैं आपको पहले दो बार ऑलरेडी बचा चुका हूँ कि फूड फेस्टिवल्स में आके यूनिक चीज़ें खाओ, तो भाई मेरे लिए ये चीज़ बहुत यूनिक है। पता नहीं आप लोगों ने ये खाई है कि नहीं खाई, ये बहुत नया ट्रेंड है। पोटैटो चिप्स को एक स्टिक में फ्राई करते हैं, देन उसके ऊपर बहुत सारा मसाला और बहुत सारी मेयोनीज और तंदूरी मेयोनीज और क्रीमी सा एक फ्लेवर करके देते हैं यहाँ पे। वैसे आपको बाहर अगर आप कहीं खाओ तो आपको 100 rupees का मिल जाएगा, यहाँ पे डबल प्राइस में मिल रहा था, क्योंकि जो फूड ट्रक फेस्टिवल होता है या कोई भी फेस्टिवल होता है उसमें वेंडर को अपनी कॉस्ट निकालनी होती है, तो यूजुअली खाना थोड़ा सा महंगा होता है। पर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस चीज़ से और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत स्पाइसी और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी था। मतलब आप यहाँ पे मसाले देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतना सारा मसाला है किसी को कैसे पसंद आ सकते हैं, पर ट्रस्ट मी गाइस, जो ये मेयोनीज और मसाले का बैलेंस था ना, इतना इंटरेस्टिंग था और इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया कि मैं क्या बताऊं। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट रहता है, आप नई नई चीज़ें ट्राई करो, कुछ चीज़ें आपको पसंद आती है जैसे ये मुझे आई और कुछ चीज़ें नहीं आपको पसंद आती जैसे बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। जितना मुझे यहाँ पे समझ आया है, यहाँ पे अलग अलग पार्टीशन्स हो रखे हैं, तो फूड ट्रक का अलग पार्टीशन है, चाइना टाउन का अलग पार्टीशन है। जो मैंने आपको मोमोज दिखाए थे वो पूरे लाइन से, वो चाइना टाउन था। अभी मैं आया हूँ डेजर्ट लैंड में, वहाँ पे बबल वॉबल्स और काफ़ी अलग अलग चीज़ें मिल रही है।
क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन हो रखी थी अलग अलग जगह पे, तो आपको बहुत इजी हो रहा था नेविगेट करना, बट ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे पार्टीशन हो रखी है। आप डेजर्ट लाइन देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर लग रहा था। इसके बाद मैं एक एक करके आपको अलग अलग यहाँ पे जगह दिखाता हूँ और एक टूर देता हूँ। यहाँ पे फूड ट्रक्स थे और फूड व्हीकल्स थे बेसिकली। फूड ट्रक यहाँ पे बहुत कम थे, मतलब लगा लीजिए अगर 200-250 आउटलेट होंगे तो सिर्फ 20-30 फूड ट्रक्स होंगे। दिस इज अ ट्रक और इसमें खाना मिल रहा है। अरे थी भाई, मैंने सुना है भाईजान, मैंने सुना है भाईजान। तो मेरे बैड जोक्स पे मिट्टी डालो। और यहाँ पे मोमोस लैंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मोमोस मिल रहे थे। जैसे आपको पता ही होगा, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में दिखाया हुआ है कि दिल्ली जो है मोमोस के पीछे पागल है। तो ये मोमोस लैंड यहाँ पे स्पेशली था, जहाँ पे 15-20 स्टॉल थे जो फूड ट्रक्स नहीं थे बट सिर्फ रेस्टोरेंट्स का खाना था, और वहाँ पे मोमोस मिल रहे थे। या चाइना टाउन था, जैसे चाइना टाउन पे आपको जो एशियन खाना मिल रहा था वो भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। और ये इसकी एकदम वाइब्स जो जैसे आप चाइना टाउन मूवीज़ में देखते हैं वैसी वाइब्स थी इसकी, अलग अलग जगह थी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टूडेंट फ्रेंडली जोन था। यहाँ पे क्या थीम थी कि सब कुछ 200 रुपये मिल रहा था। फूड फेस्टिवल्स में खाना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो यहाँ पे सब कुछ सिर्फ 200 रुपीज़ में मिल रहा था, अंडर 200 में। ये कबाब गली थी जहाँ पे सिर्फ कबाब का सामान मिल रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग ये वैरायटी थी इस फेस्टिवल में, बट फूड ट्रक्स बहुत कम थे। रेस्टोरेंट्स की वैरायटी अच्छी थी बट फूड ट्रक्स नहीं थे इतने ज़्यादा। बेसिकली अभी हम लोग आए हैं फ्राइड राइस किचन में, और यहाँ पे पास्ता के साथ फ्राइज फ्रीज मिल रहे हैं। वियर्ड कॉम्बिनेशन, वियर्ड वर्ड। तो मैं अब जो आपको दिखा रहा हूँ वो है चीज व्हील पास्ता, और ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको अभी तक आप समझ ही गए होंगे, यूनिक चीज़ें खाने का इरादा है यहाँ पे इस वीडियो में। तो ये चीज़ व्हील पास्ता है, मैं आपको एक और रेस्टोरेंट की दिखाऊंगा जो यहाँ पे बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे देता है हटसन लेन में, उसकी वीडियो जल्दी आएगी। बट ये जो पास्ता है इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, रेड या व्हाइट सॉस पास्ता जैसे भी आपको खाना पसंद है, तो वो बन जाता है एक बार पैन में और सेमी कुक हो जाता है ऑलमोस्ट। और उसके बाद वो गरम गरम जो पास्ता है उसको डाल देते हैं चीज़ व्हील में, तो गरम गरम जो पास्ता है वो चीज सारा अब्सॉर्ब कर लेता है, तो एकदम क्रीमी सा टेस्ट आता है। ये भी काफी यूनिक चीज है ट्राई करने के लिए। और अब आप जो देख रहे हैं वो है ग्रीन और पिंक मोमोस, डिमसम्स जो भी आप कह सकते हैं इनको। और काफ़ी मेरे को इनका अच्छा टेस्ट लगा, जिंजर का काफ़ी स्ट्रांग फ्लेवर आता है और मुझे जिंजर का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती, और ये पसंद ना पसंद का जो रेशियो होता है वो फूड फेस्टिवल्स में काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, बिकॉज काफ़ी यूनिक चीज़ें ट्राई करने को मिलती है। तो यूनिक चीज़ें जब आप ट्राई करोगे तो जाहिर सी बात है आपको सारी चीज़ें पसंद नहीं आ सकती। और यहाँ पे फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी मिल रही थी, मैं देख के हैरान हो गया कि भाई एक फूड फेस्टिवल में जहाँ पे मतलब सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है तो लोग काफ़ी चीज़ें कट डाउन करते हैं, पर आपको फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी मिल रही थी। और मेरा फ्रेंड जो था, जो मेरे साथ गया था, वो बहुत ज़्यादा उसको कॉफ़ी पसंद है, और एक स्पेशल वीडियो में मैं आपको उससे भी मिलवाऊंगा। बट यहाँ पे बहुत यमी कॉफ़ी मिल रही थी और उसने काफ़ी इन्जॉय करा। मुझे कॉफ़ी जो है वो मतलब नॉर्मल रेगुलर बेवरेज जैसी लगती है, तो मैंने इतनी ज़्यादा इन्जॉय नहीं करी। बट यहाँ पे इसके अंदर भी एक ट्विस्ट था, क्योंकि यूनिक चीज़ें ट्राई कर रहे थे तो कॉफ़ी के अंदर न्यूटेला डली हुई थी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि न्यूटेला और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको, इंटरेस्टिंग है कि नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम टू एवरीथिंग, आई एम हैविंग अ कैपेचिनो विद न्यूटेला। न्यूटेला का बहुत कम फ्लेवर आ रहा है बट स्टिल गेटिंग सम फ्लेवर। फ्रेंडली मेरा दोस्त भूल गया उसने कहाँ से लिया ये, That's why you brands. अच्छा ये ब्लू लेगून सिरप होगा। Oh, that's nice syringe वाला thing. तो ये वॉफल पॉप, दिस इज लाइक अ पॉपसिकल, जो आइस लॉलीज होती है ये वॉफल लॉली है। और इसके ऊपर मैंने क्लासिक वॉफल रखा और इसमें बहुत सारा मेपल सिरप डलाया।
Classic waffles are the best. With extra maple syrup. With the all maple syrup. Thank you. Thank you so much. लोग कहते हैं there's no such thing as too much chocolate or too much coffee. मैं कहता हूँ there's no such thing as too much maple syrup. ठीक है, समझ आता है आप लोगों को मैगी पसंद है और मैगी काफी अच्छी है, टेस्टी है, बहुत सही है, बट फूड ट्रक फेस्टिवल में आके मैगी कौन खाता है? We even eat मैगी फूड ट्रक फेस्टिवल में. जा, अब टर्न कर, टर्न कर. बरीटो दिस इज अ मैक्सिकन रोल. इसके अंदर वेज वाले ऑप्शन में आपको राजमा मिलेगा एंड लॉट्स ऑफ राइस एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स. तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है खाने में. टेस्टी ये वाला तो इतना नहीं है बट ऐसे काफ़ी अच्छे होते हैं. ओके, फाइनली पेट भर गया. मैं पूरा खाली पेट आया था, अब मेरा पेट भर गया. सो गाइस, दैट वाज इट फॉर द फूड ट्रक फेस्टिवल. और बेसिकली इसका कंक्लूजन ये था कि मेरे को फूड ट्रक फेस्टिवल ठीक लगा, बट इट वाज ओके. बट जो गोलगप्पा फेस्टिवल था वो बेस्ट फेस्टिवल था. मोमोज फेस्टिवल भी अच्छा था. यहाँ पे लाइटिंग और डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी, बट फूड ट्रक्स इतने ज़्यादा नहीं है, इवन रेगुलर स्टॉल्स है. तो फूड ट्रक फेस्टिवल का नाम क्यों है आई हैव नो आइडिया, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छे स्केल पर है. काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स आए हुए हैं और प्राइसिंग के मामले में भी यहाँ पे स्टूडेंट जोन है. जैसे आप ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, मतलब ऑलमोस्ट पूरा JLN स्टेडियम पूरा डेकोरेट कर रखा है और बहुत बड़े स्केल पर है, बहुत सारे आउटलेट्स आ रहे हैं. तो ये थी फूड ट्रक फेस्टिवल की वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करो और बढ़िया से कुछ कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा फेस्टिवल देखना पसंद करोगे और मैं वो ज़रूर कवर करूँगा. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है अभी तक, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन दबाना, जिससे आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. मैं तन्मय फ्रॉम वेजी बाजी निकल पड़ा हूँ किसी और वेजिटेरियन खाने की तलाश में. आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.